स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है इसको पहले समझिएगा। कहता है कि यदि किसी डिवाइड को दिया हुआ में डिवाइड दिया रहे, फ्रैक्शन में दिया रहे, फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाए? जीरो। दैट मीन्स वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो वह जो होगा आपका डेसिमल होगा, वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन यदि रिमाइंडर जीरो ना हो, मतलब वह कभी वह पूर्ण रूपन से कटे ही ना, तो उस तरीके का जो होगा वह हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। जैसे समझिए आप, यदि हमको इस तरीके से दिया हुआ 5/8, ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से दिया 5/8, आपको बताना है कि जो 5/8 है इसको डेसिमल में जब बदलेंगे तो वह टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा। मतलब इसका जो डेसिमल प्राप्त होगा हमको, और टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि रिपीटिंग डेसिमल होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा? डिवाइड देना होगा। डिवाइड देना होगा 8 से 5, इस तरीके से डिवाइड देना होगा। देखिएगा, डिवाइड देने नहीं लगेगा तो इसका डिवाइड देने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले पॉइंट यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि नहीं लग रहा है तो पॉइंट बैठाएंगे। पॉइंट बैठाने के बाद यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब कितना बार में? 6 बार में। 8 6 48। यहाँ 10 में, यहाँ 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, ये हो गया 4 में से 4 गया, कट गया। क्योंकि यहाँ पहले से पॉइंट बैठा हुआ है ऑलरेडी, तो इसीलिए यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। अब फिर लगेगा 8 हो जा 16, फिर घटाएंगे 4 हो जाएगा, फिर 1 0 आएगा, 8 5 जा 40। तो देखिए आप यहाँ पर क्या देखें, आप यहाँ पर आप देखें कि डिवाइड देने के बाद 8 से 5 में डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर हो गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाए, हम कह सकते हैं 5/8=0.625। यहाँ पर देखें, जब रिमाइंडर 0 हो जाए या भागा देने पर वह पूर्ण रूप से कट जाए, तो वह जो डेसिमल होगा यह हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन यदि रिमाइंडर, यदि डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर 0 ना आए, मतलब वो कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो, तो उस तरीके का जो आएगा वह हो जाएगा रिपीटिंग। देखिए 7/15 है, ध्यान दीजिएगा, 7/15 है, तो 15 से हम डिवाइड करेंगे 7 में, नहीं लगेगा, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। कितना बार में लगेगा? 5 बार में ज़्यादा ना हो जाएगा? 4 बार में लगेगा, घटा देंगे 0 1, क्योंकि यहाँ पर पहले से पॉइंट बैठा हुआ है, यहाँ 1 0 आ जाएगा। कितना बार में जाएगा जी? 6 बार में, फिर घटाएंगे 0 में से 0 गया 0, 18 में से 9 गया 1। देखिए फिर एक पॉइंट है तो फिर 0 उतारेंगे, फिर रहेगा 6 बार में, फिर वही मेरा आ रहा है, फिर पॉइंट है, फिर 0 उठारेंगे, फिर रहेगा 6 बार में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यह रिमाइंडर हमेशा यहाँ पे 10 बचता जा रहा है, मतलब कहीं पर पूर्ण रूप से कितने इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, डिवाइड को कितनों हम बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड को हम पार भी कर देंगे, लेकिन फिर भी यह कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। डेट मीन्स आप देख क्या रहे हैं, आप यहाँ पर पा रहे हैं कि हर रिमाइंडर जो है 10 इसका हमेशा आता जा रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 7/15=0.4666, मतलब यह थी आता जाएगा, कटेगा नहीं, इसी को हम लिखेंगे रिपीटिंग फॉर्म में 0.46, क्योंकि देख रहे हैं आपका 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए 6 पर हम रेकरिंग का सीन देंगे, इसको हम रेकरिंग पढ़ते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेकरिंग। 6 के ऊपर रेकरिंग मतलब 6 बार बार आता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। तो इस तरीके का जो आपको फॉर्म प्राप्त हुआ, ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल हो गया। तो इसी तरीके का आपको डिवाइड दे करके, फ्रैक्शंस को डिवाइड दे करके आप बता सकते हैं कि वह टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। आपको इसी चैप्टर में और क्वेश्चन और है टाइप का क्वेश्चन, भागा फ्रैक्शन में चेंज करना है, भागा फ्रैक्शन में चेंज करने वाला। देखिए इसी चैप्टर में आपका है कि चेंज इंटू भागा फ्रैक्शन, तो भागा फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दोनों टाइप, दोनों तरह का क्वेश्चन आएगा, रिपीटिंग का भी रहेगा और टर्मिनेटिंग का भी। टर्मिनेटिंग का तो भागा फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत आसान होता है, लेकिन रिपीटिंग वाला में कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है।
तो भैरव फ्रैक्शन में चेंज करने के, जैसा कि आप जानते हैं कि भैरव फ्रैक्शन होता है क्या, बता चुके थे पहले भी आप लोगों को कि जिसका डिनोमिनेटर में 10 का पावर रहेगा वो क्या रहेगा, भैरव फ्रैक्शन। मतलब डिनोमिनेटर में 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, तो वह फ्रैक्शन जो कहलाएगा वह भैरव फ्रैक्शन कहलाएगा। तो इसी में आपको आगे बताएंगे हम कि कैसे हम दिया हुआ डेसिमल को भैरव फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रिपीटिंग को कैसे भैरव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और टर्मिनेटिंग को कैसे भैरव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चेंजिंग डेसिमल टू भैरव फ्रैक्शन, भैरव फ्रैक्शन आपको अभी बताया कि भैरव फ्रैक्शन क्या होता है, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 का पावर होता है, डेट मीन्स 100 रहेगा, 10 रहेगा, 1000 रहेगा, 10000 रहेगा, तो वह क्या होगा, भैरव फ्रैक्शन होगा। तो भैरव फ्रैक्शन दोनों को बदला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी भैरव फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और रिपीटिंग डेसिमल को भी भैरव फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले आपको बताते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को भैरव फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यदि आपका दिया हुआ इस तरीके से देखिए कि 0.65, पहला दिया 0.625, ये क्या है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हमको करना है क्या चीज में, भैरव फ्रैक्शन 0.625 जो है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको भैरव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बहुत ईजी है, इसको भैरव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने क्या कहेंगे, सबसे पहले कैंड कीजिएगा क्वांट के बदले वन, क्वांट के बदले वन, क्वांट के राइट साइड जितना अंक है उतना जीरो, और ऊपर बच गया 625। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, कैसे, काट करके, डिवाइड करके, कि आपका जो है कटेगा कितना से, देखिए इजी वे में काटेंगे, जैसे आप आसान हो, 25 का टेबल से काटेगा, 25 का टेबल 25×25 आ जाएगा 625, और 25 का टेबल से कट जाएगा 41। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 जा 25 और 5 8 जा 40, दैट मीन्स क्या आ गया, ये आपका आ गया 5/8। जैसे और एक बताते हैं रहेगा 0.5, इसको बदलना भैरव फ्रैक्शन में, क्या करेंगे, पॉइंट के बदले वन, पॉइंट के राइट साइड में ये टन एक जीरो ऊपर में हो गया 5 5 2 10 ऊपर में 1 1 1। ये तो था आज टर्मिनेटिंग है, तब टर्मिनेटिंग डेसिमल को भैरव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ये तरीका हो। लेकिन जब दिया हुआ जो है वह क्या रहे, रिपीटिंग डेसिमल रहे, तो उसको भैरव फ्रैक्शन में कैसे करना, इन द डेसिमल्स आर रिपीटिंग, रिपीटिंग रहे तो उसको भैरव फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल है 0.39 पे देख रही है, इसको हमको कन्वर्ट करना है भागर में। ध्यान दीजिएगा, इसका भी तरीका बहुत आसान, ध्यान दीजिएगा जी, पॉइंट के बाद दो अंक है और दोनों पर रख रही है, जब दोनों पर रख रही है रहेगा तो जितना पर रख रही रहेगा उतना 9, दो अंक पर रख रही है 2×9, अब बाकी रेकरिंग खत्म हो गया, ऊपर में कितना बच गया 39/99, कटेगा तो उसको काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। जैसे और एग्जाम्पल देखिए आप, और एग्जाम्पल आपको बताते हैं इस तरीके से 0.012 यहाँ है, और इसमें है आपका यदि तीनों पर एक रिंग है तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिएगा जितना अंक पर एक रिंग उतना 9, 3 अंक पर एक रिंग 3×9, ऊपर बच गया 12, कटेगा तो काटेंगे, कटेगा थ्री से, थ्री का टेबल में 4 बार में कटेगा, थ्री का टेबल में 333 तो 4/333। और देखिए और बताते हैं इस तरीके से 0.8 पर रेकरिंग, 8 पर रेकरिंग में क्या करेंगे हम, देखिए जितना पर रेकरिंग उतना 9, एक अंक पर रेकरिंग 1×9, पर बच गए, नहीं करेगा छोड़ देंगे। और जैसे देखिए और आपको बताते हैं, यहाँ देखिए 1.27, यहाँ पर 2×7 पे रख देंगे, ध्यान दीजिएगा इसको, इसको दो तरीका से बनाएंगे हम। पहला तरीका देखिए कैसे बनेगा, जितना अंक पर रख रही उतना 9, दो अंक पर रख रही 2×9,
अब यहाँ टोटल बच गया कितना 127, पॉइंट खत्म हो गया 127। अब देखिएगा जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें घटा देंगे, एक पर रेकरिंग नहीं है घटा दिया, कितना गया 126/99। इसको कटेगा तो काटेंगे, कटेगा जी, थ्री से कटेगा, थ्री से कटेगा, 3 4 12 3 2 6, थ्री से ये भी कटेगा 33 बार में, और कटेगा जी थ्री से, थ्री से कटेगा 14, थ्री से कटेगा 11, तो ऊपर में आ गया 14 है, नीचे में आ गया 11। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये रिपीटिंग डेसिमल है, सबके ऊपर रेकरिंग है, सब में रेकरिंग का चिन्ह दिया हुआ है। तो रिपीटिंग डेसिमल को यदि हमको भागा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा तो सॉल्व तरीका बताए हैं कि जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिख देंगे लाइन के नीचे, और बाकी जो अंक बचे उसको ऊपर में लिख देंगे, यदि कटेगा तो उसको काट करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एक दूसरा तरीका भी इसका है बनाने का, इसके बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, जैसे आपका देखिए दूसरा तरीका बताते हैं इसी क्वेश्चन को हम दूसरा मेथड से कैसे बनाएंगे, देखेंगे दूसरा मेथड से। देखिए पॉइंट के पहले वन है तो वन प्लस कर देंगे, यहाँ बटा के चिन्ह देंगे, देखिएगा जितना अंक पर रेकरिंग है उतना नौ कर देंगे, अब ऊपर में 27। फिर इसको हम क्या करेंगे फ्रैक्शन कार्ड बनाएंगे तो ये भी उतना ही आएगा, देखिएगा कितना आएगा, जो एलसीएम 99 हो जाएगा, ये इधर उधर 99 + 27 इसको ऐड कर देंगे 916 9 11 12, देखिएगा वही आ गया 126/99। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं या ऐसे ही बना सकते हैं। ये था रिपीटिंग डेसिमल को भागा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। तो आपका देखिए इस चैप्टर जो एक्सरसाइज 2E में तीन ही टॉपिक है, एक टॉपिक पहले बताएं टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल पहचानने के लिए, दूसरा टॉपिक बताएं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को भागा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए और रिपीटिंग डेसिमल को भी भागा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। इस तीनों तरीका तीन टाइप का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेगा, और इस तीनों टाइप का क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे किया जाएगा जो आपको बता दिया गया। इसी प्रकार से आपको एक्सरसाइज 2E आपको बना लेना है, बना लेने के बाद यदि कहीं पर कोई समस्या होगा तो आप ग्रुप एडमिन से संपर्क कीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देते हैं कि यदि क्वेश्चन ऐसा रहेगा राइट टू 6 डेसिमल पहले से, यहाँ देखिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखिएगा ऐसे रहेगा राइट टू 6 डेसिमल प्लस ऑफ 6.14, 4 के ऊपर रेकरिंग, देखिए रेकरिंग को हम पॉइंट भी दे सकते हैं या इस तरीके से लाइन भी खींच सकते हैं। तो इसको यदि हमको देखिए 6 डेसिमल प्लस तक लिखना, ध्यान दीजिए किस देने और 6 डेसिमल प्लस तक, तो 6 डेसिमल प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 6 डेसिमल 6, सॉल्यूशन में जाएगा ये 6 डेसिमल प्लसेस ऑफ 6.14 पर रेकरिंग, यही ना है, इसको ऐसे लिखेंगे 6.14। देखिएगा 4 पे रेकरिंग है, 4 पे रेकरिंग का मतलब क्या हो गया, 4 रिपीट हो रहा है, 1 पे रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 4 पे रेकरिंग है, सिर्फ 4 को रिपीट कर देंगे 6 तक, देखिए 6 तक आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर लेंगे, 2 डेसिमल तक रहेगा, 8 डेसिमल प्लेसेस तक रहेगा तो 8 तक चल जाएंगे। और इस चैप्टर में जो भी बताने लायक था हम आपको बता दिए, यदि कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो संपर्क कीजिएगा, और एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चंस जो है आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।